हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में कोशिकांड फलन के प्रतिलोम का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोशिकांड फलन का प्रतिलोम, हम कोशिकांड फलन को शॉर्ट में कोशिक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता है, क्लास 11 रिकॉर्डिंग कोशिक द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, किसी भी वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड इत्यादि के लिए हम इसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे कौशिक एक्स, कौशिक वाई, कौशिक जेड इत्यादि हम इसे निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए, इसे हम फलन से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स जी वाई एच जेड इत्यादि निरूपित कर सकते हैं। एफ एक्स जी वाई एच जेड और भी आप ले सकते हैं, पी क्यू अल्फा बीटा गामा किसे निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए, इन सभी के लिए हम एक भाषा दे दें। माना कि एक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मैंने क्या लिखा, एक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर किसको द्वारा परिभाषित है, एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स द्वारा परिभाषित है। मान लिया कि जो फलन है एफ एक्स बराबर कॉसेक द्वारा परिभाषित है। तो चलिए, इसे हम कॉसेक के फॉर्म में निरूपित करें, तो हमें क्या मिलता है, देखिए। अब यदि हम लोग इसे कॉसेक से रिप्रेजेंट करेंगे तो आर टेंस टू आर, कॉसेक जो है आर टेंस टू आर। परंतु आपको ये मालूम है कि कॉसेक जीरो, कॉसेक पाई इत्यादि का मान एक बटा जीरो अर्थात अपरिभाषित होता है, यूं कहें तो अनंत होता है। अब अनंत के लिए रियल नंबर पॉसिबल नहीं है, अपरिभाषित के लिए वास्तविक संख्या पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका प्रांत में कोई भी जीरो हो, पाई हो या पाई या कोई भी गुणज हो, तो यह परिभाषित नहीं है। अर्थात कौशिक फलन को परिभाषित करने के लिए हमें इसके प्रांत से पाई के गुणज को माइनस करना होगा। अब ये जो फलन है, ये फलन परिभाषित संभव है। रीजन क्या है, ध्यान दीजिए, ये तो हमें जो माना है, परंतु ये जो कौशिक फलन है, अगर ये परिभाषित करना है इसको कि फलन हो, इसके लिए जरूरी है कि पाई का कोई भी गुणज, जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो, कोई पाई गुणज हो, उसे घटाना होगा। रीजन क्या है, क्योंकि कौशिक जीरो का मान होता है अपरिभाषित, कौशिक पाई का मान होता है अपरिभाषित, इसी प्रकार कौशिक एन पाई का मान भी होता है अपरिभाषित, और यही मान लगातार आगे बढ़ते जाता है, अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित। क्लियर ना, तो अब हमें इसका प्रतिलोम चाहिए। तो प्रतिलोम होने के लिए हमें क्या चाहिए, यह ध्यान देना होगा कि यह एक ऐसी अच्छादी हो। परंतु आप पहले हैं कि आर के बहुत से मान जो कि पाई के गुणज हैं, उनके लिए इसमें कोई भी प्रतिबिंब संभव नहीं है। अर्थात ये जो फलन बन रहा है बहुएक फलन बना है, कौन बना है, बहुएक फलन बना है। परंतु हमें क्या चाहिए बाबू, एकैकी आच्छादी चाहिए। अब बहुएक फलन है तो इसका प्रतिलोम कभी भी संभव नहीं है। तो चलिए, हमें एकैकी आच्छादी चाहिए, तो जिसके लिए आपको इसके प्रांत और परिसर, यानी कि ये जो प्रांत है और ये जो परिसर है इसका, हमें इसको समायोजित करना होगा, कुछ अंतरालों में समायोजित करना होगा। यदि हम इसके प्रांत और परिसर को कुछ अंतरालों में समायोजित कर देंगे तो यह एकैकी आच्छादी हो जाएगा। चलिए, उसके लिए जरूरी है आपको ग्राफ समझना। हम लोग काम करते हैं अगला,
कोशिकेंट फलन का ग्राफ देखेंगे, सीखेंगे इससे, और तब हम इसको कुछ अंतरालों में समायोजित करेंगे, जिसके लिए यह जो है एकाकी अच्छा भी होगा। पढ़ लेते हैं, कोशिकेंट फलन का ग्राफ। इस फलन के हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहां पे क्या माना था, एफएक्स इज इक्वल टू कॉसेक्स, एफएक्स का मान किसके बराबर, कॉसेक्स के बराबर। अब देखिए, हम एक्स और वाई के मान के अकॉर्डिंग हम कॉसेक का कुछ मान लेंगे, इसे हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करने के पीछे रीजन है कि हमें दो ही अक्ष प्राप्त होते हैं, एक होता है बाबू एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। एक तल में सामान्य जो तल होता है, द्विमीय तल होता है, उसमें दो ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हमने एक्स और वाई के रूप में यहाँ मान को निरूपित कर लेना है। अब देखिए, यहाँ हम मान को लिखेंगे, जीरो से पाई तक बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट बनाएंगे अभी अपना। देखिए, एक्स वाई, आइए जीरो, इसके बाद बाबू पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री। अभी मैंने पीछे क्लासेस में आप लोग को भी समझाया है कि अगला, हाँ पाई बाय टू। अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक ये हम लोग का चतुर्थांश नंबर एक होता है, ये एक है, और दूसरे चतुर्थांश का गुण है पाई माइनस थीटा का होना, अर्थात रिवर्स की ओर जाएंगे। इसी में हम यहां तक आए ना, अब हम लोग रिवर्स में जाएंगे और घटाते जाएंगे। तो पाई में से पाई बाई थ्री घटाइएगा तो टू पाई बाई थ्री घटाएगा, फिर थ्री पाई बाई फोर, फिर फाइव पाई बाई सिक्स, और लास्ट आपका पाई। और चतुर्थांश नंबर तीन का गुण होता है पाई प्लस थीटा। इस बार वापस जीरो से हम रिवर्स हो जाएंगे, ऐड कीजिए पाई प्लस पाई बाय छः, सात पाई बटा छः, जोड़ दीजिए पाई प्लस पाई बटा चार, फाइव पाई बाय चार, जोड़िए पाई प्लस थ्री पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री, आगे जोड़िएगा तो थ्री पाई बाय टू। चतुर्थांश नंबर चार का गुण होता है टू पाई माइनस थीटा, फिर रिवर्स करेंगे टू पाई माइनस घटाएंगे, यहां से रिवर्स कीजिए तो टू पाई माइनस पाई बाय थ्री आपको मिलेगा फाइव पाई बाय थ्री, आगे जाएंगे तो सेवन पाई बाय फोर, इलेवन पाई बाय सिक्स, और लास्ट भी आपका मान होगा टू पाई। क्लियर, हम इन्हें चतुर्थांश से अलग कर देते हैं। चतुर्थांश नंबर एक हुआ, यहां से यहां तक दो हुआ, यहां से यहां तक तीन हुआ, और यहां से यहां तक आपका चार नंबर हुआ चतुर्थांश। चलिए मान को लिखते हैं, कौशिक जीरो का, कौशिक के जीरो का वैल्यू अपरिभाषित होता है, ठीक है। पाई बाय छ का वैल्यू दो होता है, रूट दो होता है, दो बटा रूट तीन होता है, और इसका मान एक होगा। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें ये टोटल हमारे पास तीन चतुर्थांश होते हैं, इसमें सब प्लस होते हैं, इसमें कॉसेक प्लस होता है, बट इन दो में कॉसेक का वैल्यू माइनस होता है। देखिए अब हम लोग रिवर्स करेंगे, दो बटा रूट तीन, रूट दो, दो अपरिभाषित, यहां तक प्लस, बट आगे जब ही बढ़ेंगे रिवर्स में सब आप लिख दीजिए वैल्यू को, फिर रिवर्स जाइए, हाँ, इसमें क्या इसका गुण है कि चतुर्थांश दो जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जितने भी वैल्यू होंगे आपके निगेटिव होंगे, लेकिन इसके पीछे का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, इसको मैं अरेंज कर देता हूं चतुर्थांश एक दो के लिए।
डायरेक्ट काम लोग करेंगे अब ग्राफ का। देखिए ग्राफ पर क्या होगा, हम यहां से दो अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बार बार आप ग्रुप बना रहे हैं, सिखाया जा रहा है बार बार एक ही चीज, ग्राफ को बनाना सीखी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब देखिए जीरो जीरो तो होता ही, ओरिजिन होता है भी आप लोगों को पता है, ये वाई एक्सिस हुआ और ये आप लोग का बाबो एक्स एक्सिस हुआ। हाँ जीरो तो ओरिजिन, जीरो छोड़ के टोटल इसमें 16 वो अंक है, गिनिएगा आपको 16 है, अर्थात हम 16 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पॉइंट सुधर, 16 पॉइंट हम इधर भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पॉइंट हमने इधर भी लिए, ठीक है दोनों तरफ 16 16। अब हम इसको लिख भी देते हैं x के मान को, क्या क्या, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, हाँ आगे बढ़िए पाई बाय 2, फिर 2 पाई बाय 3, ओके नेक्स्ट होगा आपका 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, पाई 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6 और लास्ट बाबू आपका 2 पाई। जितना हम लोग राइट में उतना ही हम लोग यहां भाई लोग लेफ्ट में चलेंगे, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, फाइनली पाई। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, ओके फिर आगे बढ़िए 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6, 2 पाई। देखिए आपको पता है राइट में प्लस होता है लेफ्ट में माइनस होता है, देखिए हम सभी के लिए माइनस यहां पुट कर देते हैं, ओके। और ये भी देखिए y का भी कुछ वैल्यू है, कितना कितना है, इंफिनिटी 2 रूट 2 2 पॉइंट रूट 3 एंड 1, यानी कि 1 से बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की ओर गया है, तो लेंगे 1 इस पॉइंट को हम लोग 1 लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के 2 बटा रूट 3 ले लेंगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे और रूट 2 लेंगे और पूरा बढ़ा करके यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे। सेम वही काम नीचे की ओर कीजिए, अपने से कुछ अप्रोक्स वैल्यू माइनस 1 समथिंग बढ़ा देंगे तो 2 बटा रूट 3 और कुछ बढ़ा देंगे तो रूट 2 और कुछ बढ़ा देंगे तो 2 और इन्हें जो हम लोग नीचे लेंगे वो सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अब चलिए हम लोग पॉइंट को प्लॉटिंग कर लेते हैं, पॉइंट्स को अगर प्लॉटिंग करेंगे तो ही हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्या प्लॉटिंग होगा, क्या देखना है, जीरो इंफिनिटी यानी कि जीरो से नहीं बना सकते, पाई बाय 6 पर 2, देखिए पाई बाय 6 पर 2 हो गया, पाई बाय 4 पर रूट 2 ये भी हो गया, पाई बाय 3 पर 2 बटा रूट 3 ये भी हो गया एंड पाई बाय 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू 1 हो गया। देखिए फिर आगे बढ़िए 2 पाई बाय 3 2 बटा रूट 3 इसका वैल्यू सेम यहां आगे आपका 2 बटा रूट 3 और इसका वैल्यू रूट 2 और इसका वैल्यू एग्जैक्ट 2, क्लियर। अब देखिए जब ही आप 7 पाई बाय 6 की ओर जाओगे माइनस 2, 7 पाई बाय 6 एग्जैक्ट वैल्यू माइनस 2, इसके बाद 5 पाई बाय 4 माइनस रूट 2,
इसके बाद माइनस दो बटा रूट तीन और वैल्यू लास्ट इसका पाई बाई थ्री पाई बाई टू का वैल्यू माइनस वन। फिर आगे बढ़िए माइनस दो बटा रूट तीन, फिर आगे बढ़िए माइनस रूट दो और फाइनली वैल्यू आपका दो। बस इतना ही है इधर का। अब लेफ्ट के लिए काम करें तो मैं यहां पर बात बता दूं कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ही माइनस में चलेंगे हमें इसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात यहां से यहां तक माइनस होगा, यह भी आपका माइनस होगा और यह वैल्यू प्लस हो जाएगा और यह वैल्यू आपका प्लस होगा। कब? लेफ्ट के लिए। तो चलिए प्लॉटिंग इधर करते हैं। देखिए जीरो इंफिनिटी छोड़ देंगे, पाई बाय सिक्स पर टू, पाई बाय सिक्स पर माइनस टू यहां है, पाई बाय फोर माइनस रूट टू, पाई बाय फोर माइनस रूट टू, फिर माइनस टू अपॉन रूट थ्री और इसका वैल्यू एक। क्लियर? अब देखिए यहां भी माइनस में माइनस दो बटा रूट तीन, फिर माइनस रूट दो, फिर माइनस में दो। अब यहां से प्लस चलेगा, लेफ्ट में चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसका दो, फिर प्लस रूट दो, फिर दो बटा रूट तीन, फिर आगे वैल्यू आपका वन। फिर ऐसे ही बढ़ते जाइए, दो रूट तीन, रूट दो, और एग्जैक्ट वैल्यू आपका दो। अब चलिए आप इन्हें एक साथ मिलाए ड्रॉ किया जाए तो देखिए हमें क्या मिलता है, ज्वाइन कीजिए। तो ये देखिए यहां से अगर हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। आप लोग इसको गोल ही मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये गोला होता है। अब ध्यान देंगे आप यहां कुछ देख रहे हैं कि पाई से, पाई या पाई के किसी भी गुणन से कोई भी आपका कर्व कहीं भी टच नहीं करा। बिल्कुल इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो बना है सही बना है, ग्राफ में कहीं भी पाई से टच होना नहीं चाहिए। पाई का कोई भी गुणज होगा उससे आपका ग्राफ का जो कर्व है वक्र है वो कभी टच नहीं करना चाहिए। अब यहां आप लोग कुछ प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा पाई बाय टू वन, इसका कोऑर्डिनेट होगा थ्री पाई बाय टू माइनस वन, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस थ्री पाई बाय टू वन और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस पाई बाय टू माइनस वन। अब ये काम करना है, हमें कुछ अलग टाइप का ग्राफ मिल गया है, बिल्कुल गोल गोल उड़ जा रहा है, तो इन्हें कुछ ऐसे अंतराल में ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, जिसके लिए एकाएक अच्छादक संभव हो। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, एक से अनंत की ओर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक से अनंत की ओर बढ़ रहा है और ये अनंत से एक की ओर आ रहा है। अगर हम कुछ इस प्रकार से यहां से खंडन कर दें तो मिलेगा एक से अनंत और अनंत से एक मिलेगा। सेम यहां देखिए, यहां अगर हम ब्रेक करते हैं इन दोनों के बीच तो एक से अनंत और अनंत से एक, क्लियर, और ये दोनों का अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक से अनंत और अनंत अनंत से एक, हमें खंडित पार्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम ये है खंडित कर देते हैं। जैसे देखिए हम बिल्कुल यहां से खंडित करेंगे इसको, अब इसे पार्ट्स में बांट देते हैं, जो ब्लू लाइन है आपको यही खंडन कर रहे हैं, ऐसे कर्व में खंडन कर रहा है जिसके लिए प्रांत जो है हमारा हर कंडीशन में समान है, सॉरी परिसर, परिसर का जो मान है
हर एक कंडीशन में समान आएगा, प्रत्येक भाग का और प्रांत जो है अलग अलग होगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ओके, अब देखिए मैं इस भाग का प्रांत का बात करता हूं। प्रांत देखिए क्या है, प्रांत क्या है, पाई बाई टू से पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू इंक्लूड है बट पाई नहीं है, यूनियन पाई से थ्री पाई बाई टू, पाई से थ्री पाई बाई टू। देखिए वैसे ही इस भाग का प्रांत क्या होगा इस भाग में, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो, माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू। और ध्यान दीजिएगा इस भाग का प्रांत क्या होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई यूनियन माइनस पाई से माइनस पाई बाई क्लियर, माइनस पाई से माइनस पाई बाय, हमको इतना ही खंडित भाग प्राप्त हो रहा है। वैसे इसके लिए आगे ये प्रोसेस बढ़ते जाएगा और भी ग्राफ बनाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। अब जरा हम लोग सभी के लिए परिसर का बात कर लेते हैं, जितने भी हमने प्रांत लिखे हैं इन सभी का परिसर भी तो चाहिए हमें, परिसर देखिएगा कहां से कहां जा रहा है, एक से इंफिनिटी तक, यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, क्लियर। इसमें देखिए एक से इंफिनिटी तक और इंफिनिटी से माइनस वन, तो इसका भी परिसर हमारा कितना होगा, एक से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस, इसका भी अगर परिसर का हम बात करें तो इसका परिसर कितना होगा, एक से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। तो इस प्रकार देखिए प्रांत हमारे अलग अलग हैं सबके, लेकिन सभी के लिए जो परिसर है सब समान है, अर्थात जितने भी हमें खंडित भाग प्राप्त हुए हैं इन सभी खंडित पार्ट्स के लिए हमारा कोसेकेंट फलन एक ही आचार्य होगा। तो इससे हम एक भाषा दे देते हैं कि ये जो प्रांत है इनके लिए परिसर इतना होगा और जो ये भाग होगा वो आपका एकाएकी आच्छादी होगा। चलिए लिखते हैं, लिख लीजिए इसे, अतः प्रांत कौन कौन बाबू, पाई बाई टू पाई यूनियन पाई थ्री पाई बाई टू और क्या है, जीरो टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाई टू तथा अगला है माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई यूनियन माइनस पाई टेंस टू माइनस पाई बाई टू इन सभी के लिए तथा और परिसर, परिसर बाबू सब जगह क्या है, एक से अनंत यूनियन माइनस अनंत से माइनस एक पर कोसेकेंट फलन एकाएकी आच्छादी है, एकाएकी आच्छादी है, क्लियर। अब देखिए इन सभी के लिए एकाएकी आच्छादी हो गया है, अर्थात अब इसे हम थोड़ा सजा देते हैं, अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, यानी कि प्रांत और परिसर के साथ लिख लेते हैं। तो चलिए ये ग्राफ आप लोग क्लियर है तो
आते हम लोग एक साथ इसको सजा देते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग को ध्यान देंगे यहां पे कोशिकेंट जो फलन है किससे किससे परिभाषित होगा, प्रांतीय होगा और परिसर वन इंफिनिटी इंफिनिटी वन होगा। तो देखिए हम लोग चार्ट करते हैं, तो माइनस पाई बाई टू कॉमा जीरो यूनियन जीरो कॉमा पाई बाई टू टेंस टू वन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन। क्लियर। और अगला हम लोग कोशिएंट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं पाई बाई टू टेंस टू पाई यूनियन पाई टू थ्री पाई बाई टू टेंस टू वन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन। अगला परिभाषित कर सकते हैं माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई यूनियन माइनस पाई बाई टू टेंस टू वन इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन इत्यादि। इन सभी के लिए इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। इन सभी के लिए जो फलन हमारा कोशिएंट फलन है वो क्या है बाबू, एकैकी आच्छादी है। ठीक है, अर्थात उपरोक्त सभी जितना भी हमने अभी प्रांत और परिसर लिखा है इन सभी के लिए कोशिएंट फलन जो है प्रतिलोम संभव होगा। अतः कोशिएंट फलन का प्रतिलोम संभव है। अब इन सभी के लिए, इन सभी जितने भी हमने यहां पे अलग अलग शाखाएं बनाई हैं, हमने अंतराल को ब्रेक किया है, खंडित किया है, इन सभी पर कोशिएंट फलन का प्रतिलोम संभव है। इसलिए अब हम लोग कोशिएंट फलन का प्रतिलोम को परिभाषित कर लेते हैं और उसके अनुसार हम इसको सजा लेंगे। तो चलिए पढ़ डालते हैं कोशिएंट फलन का प्रतिलोम। कोशिएंट फलन का प्रतिलोम हम कर लेते हैं, आप लिख लेते हैं कोशिएंट फलन के प्रतिलोम को कौशिक इनवर्स, किसके द्वारा, कौशिक इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोशिएंट फलन के प्रतिलोम को कौशिक इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अभी कौशिक इनवर्स द्वारा सूचित करना इसका मतलब क्या हुआ उसके भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है एक फलन f x है जो x tends to y परिभाषित है, तो उसका प्रतिलोम जो फलन है y tends to x परिभाषित होगा। अर्थात यदि f such that x tends to y तो हमें पता है f inverse such that y tends to x, परंतु हमें यहां मालूम है हमने शुरू में ही cosec x लिया कर लिया है cosec x is equal to y, that means इसका मतलब है कि ये जो है परिभाषित है x tends to y, तो इसका जो प्रतिलोम होगा x cosec inverse y और ये परिभाषित होगा y tends to x। क्लियर। अब यहां से हमें दो अलग अलग सूत्र मिल सकते हैं जो कि हमारे मैथ्स के लिए काफी काम होंगे। देखिए cosec inverse cosec x, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा जो आपको वैल्यू ज्ञात करने को आसान है। तो देखिए अगर हम इसके वैल्यू के लिए काम करें तो cosec x का वैल्यू कितना है बाबू, y है,
तो कॉसेक इनवर्स y का वैल्यू x, जितना यहां थीटा पर है वही आपका थीटा रिजल्टेंट वैल्यू आया। ठीक है, अगला हम लोग का एक पॉइंट यहां मिलेगा कॉसेक इनवर्स y, जरा मान रखिए। तो कॉसेक इसको छोड़ देते हैं, अब कॉसेक इनवर्स y का वैल्यू अब कितना है, देखिए x है तो आप x लिख लेंगे और कॉसेक x का वैल्यू y, जो थीटा यहां पे वही आपका रिजल्टेंट डायरेक्ट रिजल्टेंट वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉसेक इनवर्स को देख लिए। अब कॉसेक फलन जिस प्रकार प्रांत से परिसर परिभाषित था, अब हम कॉसेक इनवर्स को भी प्रांत से परिसर में परिभाषित करते हैं तो हमें क्या मिलता है देख लीजिए। हम इसे परिभाषित कर देते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, उन्हें हम देखेंगे अभी यहां पे। अतः कोशेकेंट के लिए पॉसिबल है कोशेक इनवर्स सच वन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। हाँ, अब जो हाँ परिसर था ये प्रांत बनेगा और जो प्रांत था कोशेक का वो इनवर्स में परिसर होगा, तो परिसर में कितना आएगा जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, बट हमने वहां लिखवाया था माइनस पाई बाई टू टू जीरो, कोई बात नहीं यूनियन जीरो टू पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सेम। और अगला कॉसेक इनवर्स वन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन, और ये वैल्यू होगा पाई बाई टू टेंस टू पाई यूनियन पाई टू थ्री पाई बाई टू। और अगला होगा कॉसेक इनवर्स वन इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन टेंस टू माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई यूनियन माइनस पाई माइनस पाई बाई इत्यादि, ये जितनी भी हैं ये सभी आपके कॉसेक इनवर्स के शाखाएं हैं। हर बार मैं आपको मुख्य मान शाखा पढ़ा रहा हूं, इसमें भी है ये जो शाखा है कॉसेक इनवर्स की, इसका नाम है मुख्य मान शाखा, इसका नाम है मुख्य मान शाखा। चलिए मुख्य मान शाखा को हम लोग परिभाषित करें तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक इनवर्स की वह शाखा जिसका, क्या बात उधर लीजिए, हमेशा देखिए सबका प्रांत तो समान है, अलग है तो सबका परिसर अलग है, तो परिसर बढ़ते हैं जिसका परिसर कितना है माइनस पाई बाई टू जीरो यूनियन जीरो पाई बाई टू हो, उसे मुख्य मान शाखा कहा जाता है। इसे क्या बोलता है मुख्य मान शाखा, ठीक है। और इसका जो मान अर्थात तथा परिसर माइनस पाई बाय टू जीरो यूनियन जीरो पाई बाय टू के अंतर्गत कॉसेक इनवर्स के मान को, बाबू इसे कहा जाता है मुख्य मान कहा जाता है, यानी कि ऐसा मान जो कि इस परिसर में हो उसे मुख्य मान कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ कि कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा है वो परिभाषित है वन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस वन
टेंस टू माइनस पाई बाई टू जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाई, और साथ ही कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो हमारा वाई मान होगा वो इसके परिसर पे परिभाषित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग का कॉसेक इनवर्स कॉसेक के प्रतिलोम के थ्योरी समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ताकि आप लोगों को वर्क करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए उसी दिन एग्जांपल देख लेते हैं। इसे एग्जांपल आपको मान ज्ञात करने के लिए हमेशा मुख्य मान ही आता है। यदि मुख्य मान ना आए तो उपरोक्त जितनी भी शाखाएं मैंने लिखा है उसमें से कोई भी आपका आंसर सही होगा। एग्जांपल आपको ज्ञात करने की आवश्यकता है कॉसेक टू, कॉसेक इनवर्स टू। आप इसका हल कीजिए, कॉसेक इनवर्स टू अर्थात आपको यह केस करना होगा कि कॉसेक में टू कितने रेडियन का मान होता है। आपको पता है पाई बाय सिक्स का। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां पे ड्राइव किया था कुछ देर पहले, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, इसका मान कितना आया था एक्स का। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू बाबू पाई बाय सिक्स। और ये देखिए कि ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाय टू टू जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाय टू पर परिभाषित है, मिल रहा है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन आ सकता है नेगेटिव में, तो आप लोग वहां सोचेंगे कैसे बनेगा। आइए इसको ही बना लेते हैं, देखिए हल किया जाए। कॉसेक इनवर्स माइनस टू वर्ड का होती है, देखिए इसको भी आप गेस कीजिए कि दू बटा माइनस नहीं दू बटा रूट तीन कितने रेडियन का मान होता है। कॉसेक पाई बाय थ्री 60 रेडियन का वैल्यू होता है। अब आपको मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया था कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, जब लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, यानी कि माइनस अंदर है तो बाहर जा सकता है तो माइनस बाहर से अंदर भी आ सकता है, अर्थात इस माइनस को हम बिल्कुल अंदर कर देंगे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाय, देखिए कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट जो आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू जीरो यूनियन जीरो पाई बाय। देखिए ये तो आपका हो गया जहां मान निकालना हो। एक खास इसका जो प्रांत है ना वो फिक्स है, एक से अनंत तक और माइनस अनंत से माइनस एक तक। इस बार कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि आप प्रांत ज्ञात कीजिए, जैसे कि कॉसेक इनवर्स के लिए कुछ फलन परिभाषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका प्रांत ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका प्रांत पर आधारित कुछ एग्जांपल्स को भी देख लें, ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को बन जाएंगे। नेगेटिव के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट माइनस को अंदर कर देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगला हम काम कर लेते हैं, प्रांत पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कॉसेक इनवर्स 3x माइनस टू का अगर आपको प्रांत ज्ञात करना हो। हल करिए, अभी आपने देखा है चूंकि कॉसेक इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो क्या होता है 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1, इसका मतलब है कि x का जो मान है एक से बड़ा है बराबर, बट माइनस एक से छोटा है और बराबर है।
ठीक। इसलिए अगर आप कोसेक इनवर्स 3x माइनस 2 के लिए अगर प्रांत का बात करेंगे कि प्रांत के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, सिंपल है, यहां x था तो यहां x है, यानी कि इस पर हम 3x माइनस 2 का वैल्यू रखेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2। और ये देखिए सिंपल, अब हम क्या करें, हमें x था तो ही प्रांत लिखे थे, यानी यहां x लाना होगा, अभी 2 घटाया गया तो 2 हम सब जगह जोड़ दें, सभी में हम 2 को ऐड कर दें, ये रैखिक असमिका है, 11th क्लास में पढ़े हैं आप लोग, 3 3x और यहां 1। अब देखिए 3 से गुणा है तो 3 से हम सभी में भागा कर देते हैं, 1x 1/3 हो तो गया। ये प्रोसेस आपको करना है, अतः प्रांत जो होगा ध्यान दीजिएगा, ये था 1 यहां से लिखे थे, वैसे हमारा रिजल्ट बन आया है, यूं 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू 1/3 आपका राइट का मान था। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग अब प्रांत ज्ञात करने के लिए सक्षम हो गए हैं, कोसेक इनवर्स का प्रांत भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, और कोसेक इनवर्स के हमने थ्योरी को डीपली पढ़ा दिया है, आपका कोई भी मैथ नहीं फंसेगा, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से आप बनाइए, ये जितने टाइप के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको आप घर पे वर्क कीजिए।